हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल द इकोनोमेनिया। बच्चों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो सीरीज हमारे पास चल रही है वो कंज्यूमर थ्योरी के लिए चल रही है। आज हमारी कंज्यूमर थ्योरी की क्लास नंबर सेकंड है बच्चों, ठीक है। इससे पहले वाली क्लास यानी कि क्लास नंबर वन के अंदर हमने इंट्रोडक्शन टू दी कंज्यूमर थ्योरी को डिस्कस किया था, जहाँ पर हमने डिस्कस किया था कि कंज्यूमर थ्योरी की सीरीज के अंदर हम कौन कौन से टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, राइट, और कौन सा टॉपिक हमारे किस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, किस कोर्स के लिए इंपॉर्टेंट है, राइट बच्चों। तो ये था हमारी इंट्रोडक्शन टू द कंज्यूमर थ्योरी का पार्ट, और किस टॉपिक की कितनी वेटेज एग्जाम्स के अंदर रहती है, ये सारा कुछ हमने अपनी क्लास नंबर वन के अंदर ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। आज की क्लास यानी कि क्लास नंबर सेकंड के अंदर बच्चों हम डिस्कस करने वाले हैं प्रेफरेंस एज एग्जियम्स, राइट। एग्जियम्स को बच्चों हम एजम्पशंस कहते हैं। क्या कहते हैं? अजम्पशंस। यानी कि आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा प्रेफरेंस एंड अजम्पशंस अबाउट दी प्रेफरेंसेस, राइट। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले आता है कंज्यूमर थ्योरी। कंज्यूमर थ्योरी होती क्या है बच्चों? कंज्यूमर थ्योरी एक इंडिविजुअल कंज्यूमर के बिहेवियर को एक्सप्लेन करती है। क्या करती है? एक इंडिविजुअल कंज्यूमर के बिहेवियर को बताती है हमारे पास, राइट। अब सपोज करो कि एक कंज्यूमर है, एक कंज्यूमर मार्केट के अंदर जाएगा, उसके पास इनकम है, वो कुछ प्रेफर करेगा, कुछ चीज़ परचेज करेगा, कोई गुड, कोई कमोडिटी, कुछ तो करेगा, ठीक है। तो उस गुड को परचेज करने से लेकर उसको प्रेफर करने से लेकर उसे उसके कंजप्शन तक का जो प्रोसेस है वो क्या है? एक कंज्यूमर का बिहेवियर ही तो है, राइट। तो कंज्यूमर थ्योरी क्या बता रही है? एक कंज्यूमर का बिहेवियर बताती है कि एक कंज्यूमर अपनी गिवन प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग अपनी इनकम को किस तरीके से मार्केट के अंदर स्पेंड करता है, राइट। तो ये थी हमारे पास कंज्यूमर थ्योरी। अब बच्चों आता है नेक्स्ट हमारे पास थ्री बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द कंज्यूमर थ्योरी। बच्चों, कंज्यूमर थ्योरी के कुछ बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, यानी कि बिल्डिंग ब्लॉक का मतलब जिनके ऊपर वो टिकी हुई है एक तरीके से, राइट। बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं कंज्यूमर थ्योरी को बिल्ड करने वाले ब्लॉक्स। अब वो बिल्डिंग ब्लॉक्स तीन होते हैं बच्चों हमारे पास। पहला होता है कंजप्शन सेट, दूसरा होता है फिजिबल सेट, और तीसरा होता है प्रेफरेंस बच्चों, राइट। अब यहाँ पर अगर हम सबसे पहले बिल्डिंग ब्लॉक की बात करें, दैट इज कंजप्शन सेट। अब देखो बच्चों, कंजप्शन सेट क्या होता है? बच्चों देखो, ये जो बिल्डिंग ब्लॉक्स है ना, एग्जाम के अंदर नहीं आने वाले, इसलिए मैं तुम्हें ओरली बता दे रही हूँ, राइट। जो एग्जाम के अंदर आना है वो हम टॉपिक मैंने ऊपर टॉप पे लिख दिया है ऑलरेडी, ठीक है। तो यहाँ पर बिल्डिंग ब्लॉक्स की बात कर रहे थे हम। पहला बिल्डिंग ब्लॉक होता है हमारे पास कंजप्शन सेट। अब ये कंजप्शन सेट क्या होता है बच्चों? देखो, किसी भी गुड की एक ऐसी क्वांटिटी जिसे तुम अपने माइंड के अंदर इमेजिन कर सकते हो, मतलब जिसे तुम चाह सकते हो, जिसे तुम खरीदने के बारे में सोच सकते हो, वो सारे के सारे बंडल्स क्या बनाते हैं हमारे पास? कंजप्शन सेट बनाते हैं बच्चों, ठीक है। अब सपोज करो, ये तो हमने एक गुड की बात करी, अब सपोज करो एक कंज्यूमर है जो कि दो गुड्स को कंज्यूम करना चाहता है अपनी गिवन इनकम से, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हमारे पास ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स डैश हो गया, ये वाई एक्सिस है और ये वाई डैश हो गया, राइट। दो कमोडिटीज हैं बच्चों, यहाँ पर एक एक्स है और एक वाई है। अब उन दोनों का एक ऐसा कॉम्बिनेशन या फिर एक ऐसा सेट जिसे वो सोच सकता है, जिसे वो चाह सकता है खरीदने के बारे में, डजंट मैटर उसके पास इनकम कितनी है, डजंट मैटर उसकी प्रेफरेंस क्या है, ठीक है। जिस बंडल को वो खरीदने के मतलब लेने के लिए सोच सकता है, वो सारे के सारे क्या है? कंजप्शन सेट है बच्चों, ठीक है। अब देखो बच्चों, मार्केट के अंदर उस कंज्यूमर की जो चाहत है बच्चों, वो इस क्वाड्रेंट से बाहर नहीं जा सकती। ऐसा क्यों बच्चों? सोचा ऐसा क्यों? इस क्वाड्रेंट के बाहर नहीं जा सकती उस कंज्यूमर की चाहत कभी भी, क्योंकि ऐसा इसलिए होगा बच्चों, क्योंकि इस क्वाड्रेंट के अंदर क्या है? एक्स नेगेटिव है, ठीक है। इस क्वाड्रेंट के अंदर वाई नेगेटिव है, इस क्वाड्रेंट के अंदर एक्स और वाई दोनों नेगेटिव है, राइट, ठीक है। तो अब कोई भी कंज्यूमर किसी भी कमोडिटी की नेगेटिव क्वांटिटी खरीदने के बारे में कभी नहीं सोच सकता ना बच्चों, ठीक है। तो ये सारा पार्ट जो होगा वो कंजप्शन सेट का पार्ट नहीं होने वाला है। तो कंजप्शन सेट कौन सा बच गया हमारे पास? सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये सारा का सारा क्या है कंज्यूमर के लिए? कंजप्शन सेट है। इस क्वाड्रेंट के अंदर आने वाले हर सेट को एक कंज्यूमर क्या कर सकता है? कंज्यूम कर सकता है। तो ये क्या बन गया हमारे पास? कंजप्शन सेट बन गया बच्चों। क्या बन गया? कंजप्शन सेट। ये तो हुआ हमारे पास कंजप्शन सेट। नेक्स्ट आता है हमारे पास फीजिबल सेट। अब देखो, यहाँ पर जो हमारे पास हमने कंजप्शन सेट डिस्कस किया, इसके अंदर हमारा इनकम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था बच्चों, राइट। अब लेकिन फिजिबल सेट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर इनकम का कॉन्सेप्ट आ जाता है। देखो,
जो फीजिबल सेट होता है वो फीजिबल सेट ये बताता है बच्चों कि एक कंज्यूमर मार्केट के अंदर अपनी गिवन इनकम के अंदर किन कंजप्शन सेट्स को खरीद सकता है। ये सारे कंजप्शन सेट हैं, लेकिन किस सेट को, किस कंजप्शन सेट या फिर किस कंजप्शन बंडल को वो कंज्यूमर कंज्यूम कर सकता है, ये कौन बता रहा है? फीजिबल सेट बता रहा है बच्चों। और फीजिबल सेट कहाँ से आया? हमारी गिवन इनकम से आया है, राइट। सपोज करो एक कंज्यूमर की इनकम जो थी ये थी, मतलब उसका बजट कंस्ट्रेंट ये बना, राइट। तो उसकी इनकम जो थी वो एम थी। अब एम के अंदर उस इनकम से वो दो गुड्स की इस वाले पार्ट को खरीद सकता है, राइट। कि अगर उसने इतनी क्वांटिटी इसकी वाई की ली तो एक्स जीरो हो जाएगा, इतनी एक्स की ली तो वाई जीरो हो जाएगा। अगर कॉम्बिनेशन लेना चाहता है तो इन कॉम्बिनेशंस को वो ले सकता है बच्चों, राइट। अब इंक्लूडिंग द बाउंड्रीज, ये वाली बाउंड्री और ये वाली बाउंड्री, तीनों बाउंड्रीज इंक्लूड करने के बाद और ये सारे के सारे पॉइंट्स जो इस ट्राइंगल के अंदर आ रहे हैं, ये सारे के सारे क्या बता रहे हैं हमारे बच्चों? ये बता रहे हैं फीजिबल सेट, राइट। कंजप्शन सेट वो था जिसे एक कंज्यूमर मार्केट के अंदर खरीदने के बारे में सोच सकता है या चाह सकता है, ठीक है। और फीजिबल सेट वो है जिसे एक कंज्यूमर अपनी गिवन इनकम से मार्केट के अंदर खरीद सकता है, राइट। अब खरीदने के बाद इनकम बचे या ना बचे डजंट मैटर, राइट। दोनों समझ आए फीजिबल सेट क्या है और कंजप्शन सेट क्या है। नेक्स्ट आती है बच्चों हमारे पास सबसे 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 इंपॉर्टेंट, दैट इज प्रेफरेंस, जो कि आज की क्लास का क्या है, हमारा मेन टॉपिक है प्रेफरेंस। अब ये देखो बच्चों प्रेफरेंस क्या होती है। देखो प्रेफरेंस, सपोज करो कि तुम्हारे कंजप्शन सेट के अंदर चार बंडल हैं। कितने बंडल हैं? चार बंडल हैं। तुम्हारा कंजप्शन सेट है X, राइट। इसके अंदर चार बंडल्स हैं, दैट इज X1, Y1, X2, Y2, X3, Y3 और एक लास्ट आता है X4 और Y4, राइट। वेयर X एंड Y are belongs to consumption set X, ठीक है। ये जो X और Y दो गुड्स हैं जो कि consumption set X को belong करती हैं, और वहां पर हमारे पास चार बंडल दे रखे हैं, 1, 2, 3 और 4, ठीक है। अगर एक कंज्यूमर इन चारों बंडलों को देखने के बाद ये आइडेंटिफाई कर पाता है कि कौन सा बंडल उसे ज़्यादा यूटिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, कौन सा बंडल उसके लिए ज़्यादा बेटर है किसी दूसरे से, कौन से दो बंडल आपस में एक जैसे हैं, कौन सा बंडल किस बंडल से ज़्यादा बेटर है, राइट। अगर ये एक कंज्यूमर ये आइडेंटिफाई कर पाता है अपने लिए, तो उसे उस कंज्यूमर की प्रेफरेंस कहते हैं बच्चों, राइट। अब सपोज करो यहाँ पर एक कंज्यूमर था, कंज्यूमर ए। उस कंज्यूमर ने इन चारों कंजप्शन बंडल्स में से सिर्फ इस वाले कंजप्शन बंडल को चुना, दैट इज X4 एंड Y4, ठीक है। अब उस कंज्यूमर ने इसे ही क्यों चुना, इन तीनों को क्यों नहीं चुना, इन तीनों को चूज क्यों नहीं किया उस कंज्यूमर ने, बताओ बच्चों? यहाँ पे उसने इसलिए चूज नहीं किया क्योंकि ये वाला बंडल हो सकता है उसे सबसे ज्यादा यूटिलिटी प्रोवाइड कर रहा हो, ये वाला बंडल हो सकता है उसके लिए सबसे ज्यादा बेटर हो, ठीक है। या फिर वो ये भी तो कह सकता है, सपोज करो यहाँ पर दूसरी प्रेफरेंस आती है कि कंज्यूमर कहता है मुझे ये दोनों नहीं चाहिए, इन दोनों में से कोई भी चलेगा। तो उसने ऐसा क्यों किया? क्योंकि उसे हो सकता है ये दोनों उसे वर्स ऑफ लग रहे हो अपनी प्रेफरेंस के लिए, मतलब अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। तो वो उसकी प्रेफरेंस कभी नहीं बन सकते, अगर उसके लिए वो बंडल वर्स ऑफ हैं तो वो उसकी प्रेफरेंस का पार्ट कभी नहीं बन सकते बच्चों, ठीक है। तो उसकी प्रेफरेंस का पार्ट क्या रहेगा? X3 Y3 और X4 Y4, ठीक है। ये दो बंडल्स क्या रहेंगे? उसकी प्रेफरेंस का पार्ट रहेंगे। अगर हम प्रेफरेंस के एग्जाम्पल की बात करें बच्चों, तो इसके सबसे अच्छा एक एग्जाम्पल लेते हैं हम। देखो कि सपोज करो तुम BSc के अंदर एडमिशन के लिए फॉर्म भर रहे हो, ठीक है। कहाँ? दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के अंदर एडमिशन के लिए फॉर्म भर रहे हो। तो वहां पर जब फॉर्म भरोगे ना, तो वहां पर एक ऑप्शन आएगा कि तुम्हें एक स्टेट चूज करनी है जिस स्टेट के अंदर तुम एग्जाम देना चाहते हो, राइट। दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स का तुम फॉर्म भर रहे हो, वहां पर तुम्हारे पास एक ऑप्शन आएगा कि तुम्हें वो स्टेट्स चूज करनी है अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग, अपनी प्रेफरेंसेस रखनी है तो कि किस स्टेट के अंदर तुम ये एग्जाम देना चाहते हो। तो वहां क्या करोगे बच्चों? अब जो दिल्ली के अंदर स्टूडेंट्स रहते हैं वो तो दिल्ली भरेंगे, राइट। जो यूपी में रहते हैं वो यूपी भरेंगे। अब सोचो यूपी वालों ने यूपी चूज क्यों किया, दिल्ली वालों ने दिल्ली चूज क्यों किया? बच्चों को उनकी प्रेफरेंस है
कि वो फर्स्ट प्रेफरेंस यूपी को दे रहे हैं और दिल्ली वाले स्टूडेंट्स जो हैं वो फर्स्ट प्रेफरेंस किसे दे रहे हैं, दिल्ली को दे रहे हैं, क्योंकि क्योंकि वो उनके घर के पास पड़ रहा है, तो उनका जो डिस्टेंस है वो कम से कम है। तो ठीक है, कम से कम डिफरेंस को तुम ज़्यादा प्रेफर करोगे, तो इसे कहते हैं हम प्रेफरेंस बच्चों, राइट। अब सपोज करो कि तुम्हारा एडमिशन हो गया दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के अंदर, ठीक है। जब फर्स्ट ईयर के अंदर जाओगे, फर्स्ट ईयर के अंदर सेकंड सेमेस्टर के अंदर तुम्हें क्या करना पड़ेगा, और एक ऑप्शनल पेपर चूज करना पड़ेगा। अब उस ऑप्शनल पेपर के अंदर तुमसे तुम्हारी प्रेफरेंस पूछी जाएगी, कुछ सब्जेक्ट्स वो तुम्हें देंगे, एक दो तीन चार, चार सब्जेक्ट्स ले लो चलो, ठीक है। कुछ बच्चे ए को चूज करेंगे, कुछ दूसरे को चूज करेंगे, कुछ तीसरे को, कुछ चौथे को। तो बच्चों सारे के सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो अलग अलग प्रेफरेंस क्यों रख रहे हैं अपनी, क्योंकि वो सब्जेक्ट उन्हें पसंद है, राइट। तो क्या कर पा रहे हैं यहाँ पर कंज्यूमर्स, क्या कर रहे हैं बच्चों, किसी एक बंडल को चूज कर रहे हैं, ठीक है। वहां पर वो दोनों, वो लोग आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि कौन सा बंडल उन्हें ज्यादा क्या कर रहा है, सेटिस्फाइड कर रहा है, कौन सा उनके लिए ज्यादा प्रेफरेबल बंडल है, कौन सा उनकी यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करेगा, राइट। तो उसे क्या कहते हैं बच्चों, एक कंज्यूमर की प्रेफरेंस कहते हैं, जहां पर एक कंज्यूमर ये आइडेंटिफाई कर पाए कि वो गिवन बंडल उसके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, कितना प्रेफरेबल है, ठीक है, राइट बच्चों, उसे कंज्यूमर की प्रेफरेंस कहते हैं। अब देखो बच्चों, जो प्रेफरेंस होती है हमारे पास तीन तरह की होती है, पहली होती है स्ट्रिक्ट प्रेफरेंस, दूसरी होती है वीक प्रेफरेंस, और एक तीसरी होती है इनडिफरेंट प्रेफरेंस। तो हम तीनों को एक एक करके डिस्कस कर, तो यहाँ पर सबसे पहले आती है बच्चों हमारे पास स्ट्रिक्ट प्रेफरेंस। अब स्ट्रिक्ट प्रेफरेंस क्या होती है बच्चों, देखो सपोज करो कि हमारे पास एक कंजप्शन सेट है एक्स, क्या है ये कंजप्शन सेट है। अब इस कंजप्शन सेट के अंदर दो बंडल्स हैं हमारे पास, एक एक्स है और एक वाई है, ठीक है। सो द बंडल एक्स एंड वाई आर बिलोंग्स टू द कंजप्शन सेट एक्स, इस फॉर्म में लिख सकते हैं हम इसे, चलो। अब देखो जो बंडल एक्स था उसके अंदर दो गुड्स थी एक्स, अब जो बंडल एक्स था उसके अंदर दो गुड्स थी, एक एक्स वन और एक एक्स टू। अब जो बंडल वाई था उसके अंदर भी दो गुड्स थी, एक वाई वन और एक वाई टू, ठीक है। अब ये जो एक्स वन वाई वन, ये एक कमोडिटी है एक्स वन और वाई वन, लेकिन एक ही कमोडिटी की अलग अलग क्वांटिटी है, ठीक है। ये एक कमोडिटी, ये दूसरी कमोडिटी, ये एक कमोडिटी, ये दूसरी कमोडिटी, राइट। तो ये वाली कमोडिटी और ये वाली कमोडिटी सेम है लेकिन क्वांटिटी अलग है, दैट क्वांटिटी इज एक्स वन एंड वाई वन, राइट। इसे हमने बंडल एक्स कह दिया, इसे हमने बंडल वाई कह दिया, कंजप्शन बंडल, ठीक है, समझ आ रहा है। अब नेक्स्ट आता है बच्चों हमारे पास स्ट्रिक्ट प्रेफरेंस। अगर कोई कंज्यूमर इन दोनों बंडल्स में से एक बंडल चाहिए, दैट इज एक्स, सपोज करो उसे एक्स चाहिए, क्या चाहिए उसे एक्स चाहिए, ठीक है, चाहे कुछ भी हो जाए उसे चाहिए तो सिर्फ एक्स चाहिए, नहीं तो नहीं चाहिए, ठीक है। क्या चाहिए उसे, सिर्फ और सिर्फ एक्स हो चाहिए, किसी भी कंडीशन के अंदर उसे सिर्फ एक्स चाहिए। तो क्या है वो जो बंडल एक्स है वो उस पर्सन की क्या है, उस कंज्यूमर की क्या है, स्ट्रिक्ट प्रेफरेंस है। क्या है बच्चों, स्ट्रिक्ट प्रेफरेंस है, ठीक है, क्योंकि वो किसी भी कंडीशन के अंदर बंडल वाई को लेना पसंद नहीं करेगा, राइट। तो एक्स बंडल क्या है उसकी, स्ट्रिक्ट प्रेफरेंस है बच्चों, ठीक है। अब इसको लिखेंगे किस तरीके से, लिखने का तरीका देख लो बच्चों, दैट एक्स इज इन द फॉर्म ऑफ एक्स वन एंड एक्स टू इज स्ट्रिक्टली बेटर ऑफ या फिर प्रेफर ओवर वाई बंडल इन द फॉर्म ऑफ वाई वन एंड वाई टू, राइट। सो दैट द बंडल एक्स इज स्ट्रिक्टली प्रेफर ओवर वाई, आया समझ। स्ट्रिक्ट प्रेफरेंस किसे कहते हैं बच्चों, जब कोई कंज्यूमर किसी एक बंडल को स्ट्रिक्टली प्रेफर करे तो उसे उसकी स्ट्रिक्ट प्रेफरेंस कहते हैं बच्चों, ठीक है। और स्ट्रिक्ट प्रेफरेंस का मतलब होता है कि कंज्यूमर किसी भी कंडीशन के अंदर किसी दूसरे बंडल को प्रेफर नहीं करेगा, राइट। नेक्स्ट चलें, नेक्स्ट आती है हमारे पास बच्चों वीक प्रेफरेंस। ये वीक प्रेफरेंस क्या होती है, देखो हमारे पास दो बंडल थे, एक एक्स बंडल था और एक वाई बंडल था। अगर इस x बंडल और y बंडल में से कंज्यूमर चाहता है कि उसे x मिले,
क्या चाहता है कंज्यूमर, उसे एक्स मिले, लेकिन अगर किसी कंडीशन की वजह से उसे एक्स नहीं मिल पाया तो वो कंज्यूमर कहता है कि मैं वाई से काम चला लूंगा। ठीक है, यहां पर क्या था, उसे एक्स ही चाहिए था, किसी भी कंडीशन में उसे क्या चाहिए था, सिर्फ एक्स चाहिए था, लेकिन यहां कंज्यूमर कहता है कि अगर उसे एक्स नहीं मिला तो मैं वाई से काम चला लूंगा। राइट, तो इसे कहते हैं वीक प्रेफरेंस, कि अगर एक्स मिल गया तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं मिला तो हम वाई ले लेंगे। राइट, क्या कहते हैं इसे, वीक प्रेफरेंस। तो वीक प्रेफरेंस को हम किस तरीके से एक्सप्लेन शो करते हैं बच्चों, दैट एक्स इन द फॉर्म ऑफ एक्स वन एंड एक्स टू इज वीकली प्रेफर्ड ओवर, बच्चों देखो सिंबल देख लेना अच्छे से, वीकली प्रेफर्ड ओवर बंडल वाई, दैट इज वाई वन एंड वाई टू। समझ आए? अब इसका मतलब क्या है, ये तो स्ट्रिक्टली ओवर प्रेफर का साइन है और ये इंडिफरेंट का साइन है, इन दोनों के बीच में इंडिफरेंट है कंज्यूमर, या तो इसे ले लेगा या फिर इसे ले लेगा। ठीक है, तो यहाँ पर से दो सिचुएशंस निकल कर आती हैं बच्चों, वो दो सिचुएशंस ये होती हैं। पहली सिचुएशन है दैट इज एक्स इज एक्स वन एंड एक्स टू इज स्ट्रिक्टली प्रेफर्ड ओवर दी वाई बंडल, दैट इज वाई वन एंड वाई टू। ठीक है, और दूसरी कंडीशन निकल कर आती है हमारे पास, एक्स इज इन द फॉर्म ऑफ एक्स वन एंड एक्स टू इज इंडिफरेंट टू दी बंडल वाई इन द फॉर्म ऑफ वाई वन एंड वाई टू। ठीक है बच्चों, अब कंज्यूमर कहता है कि वो पहले क्या करेगा, एक्स को प्रेफर करेगा, अगर एक्स नहीं मिला तो वो वाई से काम चला लेगा, यानी कि वाई को ले लेगा। ठीक है, तो यहां पर क्या है, एक कंज्यूमर की बंडल एक्स को लेकर वीक प्रेफरेंस है। क्या है, बंडल एक्स को लेकर वीक प्रेफरेंस है, वो स्ट्रेस है, स्ट्रिक्टली प्रेफर नहीं कर रहा है, उसे किसी भी कंडीशन में ये नहीं चाहिए। ठीक है, अगर मिलता है तो उसके लिए अच्छा है, नहीं मिलेगा तो वाई से काम चला लेगा। राइट, नेक्स्ट आता है बच्चों हमारे पास इनडिफरेंट प्रेफरेंस। हमारे पास क्या थे, दो बंडल थे, दैट इज एक्स एंड वाई, ये बंडल थे और दोनों बंडल किसका पार्ट थे, हमारे कंजप्शन सेट एक्स का पार्ट थे। ठीक है, अब इन दोनों बंडल में से अगर एक कंज्यूमर ये कहे कि भाई मुझे तो कोई सा भी दे दो, मेरी तो कोई प्रेफरेंस ही नहीं है यहाँ पे, मुझे कोई सा भी दे दो मुझे चल जाएगा, मुझे चाहे एक्स दे दो चाहे वाई दे दो, मुझे दोनों के दो, मेरे लिए क्या है, दोनों के दोनों बराबर हैं, तो उस केस में हम क्या कहते हैं, कंज्यूमर की प्रेफरेंस कैसी है, इनडिफरेंट है इन दोनों के दोनों बंडल्स को लेकर। राइट, तो इसे हम कैसे लिखेंगे, दैट इज बंडल एक्स इन द फॉर्म ऑफ एक्स वन एंड एक्स टू इज इनडिफरेंट टू दैट बंडल वाई दैट इज इन द फॉर्म ऑफ वाई वन एंड वाई टू। राइट, तो यहाँ पर बंडल एक्स और बंडल वाई क्या है, एक दूसरे में इनडिफरेंट है, यानी कि कंज्यूमर इन दोनों बंडल्स को लेने में इनडिफरेंट है, उसे दोनों में से कोई भी दे दो उसे बराबर यूटिलिटी मिलने वाली है, उसे बराबर सेटिस्फेक्शन मिलेगी। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पर ना दो चीज़ें आती हैं, दो चीज़ें ध्यान से देखना, कि सपोज करो एक्स इज वीकली प्रेफर ओवर वाई एंड वाई इज वीकली प्रेफर्ड ओवर एक्स। ठीक है, अब यहाँ से हमारे पास दो केसेस आएंगे, पहला केस कौन सा आएगा, x is strictly better over y and x is indifferent to y, दो केस बन गए यहाँ से, और यहाँ से हमारे पास दो केसेस आएंगे, that is y is strictly preferred over x and y is indifferent to x। ठीक है, ये चार केसेस बने बच्चों हमारे पास। राइट, ये चार केसेस बन गए। इस वाले केस के अंदर जहां पर हमारे पास बीच में इंडिफरेंट का साइन है कि एक कंज्यूमर एक्स और वाई के बीच में इंडिफरेंट है, वहां पर इन दोनों केसेस को इंक्लूड नहीं किया जाता बच्चों, क्योंकि ये दोनों केसेस क्या करते हैं, इसके अंदर एग्जिस्ट नहीं करते। इनडिफरेंट प्रेफरेंस के अंदर ये दोनों प्रेफरेंसेस एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है, कौन सी नहीं करती, ये दोनों प्रेफरेंसेस एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि बच्चों यहां पर ये इनडिफरेंट तो है x और y में, यहां पर भी तो x एंड y इनडिफरेंट है, और यहां पर भी देखो x एंड y इनडिफरेंट है, और ये भी यहां पर x एंड y इनडिफरेंट है, लेकिन साथ में x इज बेटर ओवर y एंड y इज बेटर ओवर x, ये भी इंक्लूड है, तो इसलिए हम इन दोनों केसेस को इस वाले प्रेफरेंस के अंदर इंक्लूड नहीं कर सकते, ये एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे इसके अंदर बच्चों। समझे बच्चों, आया समझ कि प्रेफरेंसेस जो होती हैं वो हमारे पास कितने टाइप्स की होती हैं और किस तरीके से होती हैं। चलो उसे एक एग्जांपल से समझते हैं, इन तीनों प्रेफरेंसेस को एक सिंगल एग्जांपल से समझेंगे। ठीक है, सपोज करो कि तुम डीएससी दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स का एंट्रेंस फॉर्म भर रहे हो, क्या भर रहे हो,
दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स का एंट्रेंस फॉर्म भर रहे हो, उस एंट्रेंस फॉर्म के अंदर तुमसे तुम्हारी प्रेफरेंस पूछी है कहाँ, एग्जाम सेंटर की। किस चीज की? एग्जाम सेंटर की, कि तुम एग्जाम कहाँ पर देना चाहते हो। ठीक है, तुम्हारे पास दो ऑप्शंस हैं, एक ऑप्शन है यूपी और एक है दिल्ली, राइट? तुम फॉर्म भर रहे हो, फॉर्म में तुम्हारे पास सिर्फ दो ऑप्शंस हैं, एक यूपी और एक दिल्ली। अब अगर तुम दिल्ली के अंदर रहते हो, कहाँ रहते हो तुम? दिल्ली के अंदर रहते हो, राइट? तुम दिल्ली के अंदर रहते हो, अगर तुम वहां पर सिर्फ और सिर्फ दिल्ली भर कर आओगे, सिर्फ और सिर्फ दिल्ली भरोगे, राइट? फर्स्ट प्रेफरेंस तुमने डाल दी दिल्ली और सेकंड तुमने खाली छोड़ दी, तो इसका मतलब क्या हुआ कि तुम दिल्ली को स्ट्रिक्टली प्रेफर कर रहे हो अकॉर्डिंग टू यूपी, कि अगर दिल्ली में एग्जाम सेंटर की सीट तुम्हें मिलती है तो तुम एग्जाम दोगे, अदरवाइज तुम एग्जाम नहीं दोगे। ठीक है, तो ये क्या है तुम्हारी दिल्ली? ये तुम्हारी स्ट्रिक्ट प्रेफरेंस है, राइट? समझ आया? क्या है तुम्हारी? स्ट्रिक्ट प्रेफरेंस है। अगर तुमने फर्स्ट प्रेफरेंस में दिल्ली भर दिया और सेकंड में यूपी भर दिया, तो अब तुम्हारे पास दिल्ली की प्रेफरेंस जो हो चुकी है वो क्या बन चुकी है? वीक प्रेफरेंस बन चुकी है। अब दिल्ली तुम्हारी स्ट्रिक्ट प्रेफरेंस नहीं रही, क्या रह बन गई है? वीक प्रेफरेंस बन गई है। यानी कि अगर तुम्हें दिल्ली मिला तो तुम खुश हो, अगर तुम्हें दिल्ली नहीं मिला तो तुम यूपी भी चले जाओगे एग्जाम देने के लिए, राइट? कि अगर तुम्हें दिल्ली नहीं मिला तो तुम कहाँ चले जाओगे एग्जाम देने के लिए? यूपी चले जाओगे, राइट? सो पहले वाले केस के अंदर यहाँ पर हमारे पास क्या था? दिल्ली इज स्ट्रिक्टली प्रेफर्ड ओवर यूपी, ठीक है? और दूसरे वाले केस में किस तरीके से बनेगा? दिल्ली इज वीकली प्रेफर्ड ओवर यूपी, राइट? समझे? अब नेक्स्ट आता है हमारे पास इनडिफरेंट प्रेफरेंस। अगर तुम उस एग्जाम के अंदर इनडिफरेंट लिखते हो, क्या लिखते हो? इनडिफरेंट, तो इसका मतलब होगा कि तुम्हें कहीं पर भी वो एग्जाम सेंटर अलॉट कर दें तुम वहां एग्जाम दे दोगे, यानी कि तुम दिल्ली और यूपी के बीच में क्या हो? इनडिफरेंट हो, तुम कहीं भी एग्जाम दे सकते हो, राइट? बच्चों समझ आई प्रेफरेंसेस? पहली प्रेफरेंस है स्ट्रिक्ट प्रेफरेंस, दूसरी है वीक प्रेफरेंस, तीसरी है हमारे पास इनडिफरेंस प्रेफरेंस, राइट? तो ये तो थी हमारे पास प्रेफरेंसेस। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं कहाँ पर? अजम्पशंस अबाउट दी प्रेफरेंसेस के ऊपर। बच्चों जो हमारी तीन प्रेफरेंसेस पढ़े बच्चों, उनकी कुछ अजम्पशंस होती हैं, वो जो प्रेफरेंसेस होते हैं वो हमारी कुछ अजम्पशंस के ऊपर बेस्ड होते हैं, और वो अजम्पशंस हैं बच्चों हमारी, पहली है कम्प्लीटनेस, दूसरी है ट्रांजिटिविटी, तीसरी है रिफ्लेक्सिव या फिर रिफ्लेक्सिविटी, रिफ्लेक्सिवनेस कुछ भी कह सकते हो, ठीक है, कंटिन्यूटी, और सबसे लास्ट है हमारे पास मोनोटोनिसिटी, राइट? अब देखो बच्चों यहाँ पर कंप्लीटनेस क्या होता है? कंप्लीटनेस का मतलब होता है कि हमारा जो बंडल है, हमारा जो कंजप्शन सेट है, उसके अंदर जो बंडल्स हैं वो सारे के सारे कंप्लीट हैं, और हमारे कंजप्शन सेट के अंदर जो बंडल्स होंगे वो कंप्लीट कब होंगे बच्चों? जब उन बंडल्स के अंदर कोई रिलेशन निकल कर आएगा, राइट? यानी कि कंप्लीटनेस कहती है कि हमारे कंजप्शन सेट के अंदर जो बंडल्स हैं उनके बीच में कोई ना कोई रिलेशन है। अब वो रिलेशन कोई भी हो सकता है बच्चों, स्ट्रिक्ट प्रेफरेंस वाला हो सकता है, वीक प्रेफरेंस वाला हो सकता है, या फिर इनडिफरेंट प्रेफरेंस वाला हो सकता है, राइट? तो यहाँ पर हमारे पास प्रेफरेंसेस कैसे किस तरीके से हो सकते हैं? बहुत सारे प्रेफरेंसेस होते हैं, हो सकते हैं लाइक एक्स इज प्रेफर ओवर वाई, ये हो सकता है। दूसरा हो सकता है वाई इज प्रेफर ओवर एक्स, ये हो सकता है। एक्स इज वीकली प्रेफर ओवर वाई, वाई इज वीकली प्रेफर ओवर एक्स, वाई इज इंडिफरेंट टू एक्स, राइट? तो इस तरीके से हमारे बहुत सारे रिलेशंस हो सकते हैं। तो कंप्लीटनेस क्या कहती है कि हमारे कंजप्शन सेट के अंदर जो बंडल्स हैं उन बंडल्स के बीच में कोई ना कोई रिलेशन होगा, राइट? या वो स्ट्रिक्टली प्रेफर्ड वाला भी हो सकता है, वीकली प्रेफर्ड वाला भी हो सकता है, या फिर इनडिफरेंट भी हो सकता है। मतलब किसी ना किसी तरीके से दोनों बंडल्स क्या करेंगे? आपस में रिलेट करेंगे, राइट? आया समझ में? दैट इज कंप्लीटनेस। अगर दोनों बंडल आपस में रिलेट कर गए तो हमारा बंडल कैसा बन जाएगा, हमारा कंजप्शन सेट कैसा बन जाएगा बच्चों? कंप्लीट बन जाएगा, राइट? नेक्स्ट आता है ट्रांजिटिविटी। बच्चों सपोज करो कि हमारे पास एक कंजप्शन सेट है दैट इज एक्स, उस कंजप्शन सेट के अंदर तीन कंजप्शन बंडल्स हैं दैट इज एक्स वन,
X2 और X3, ठीक है, ये कंजप्शन सेट था, ये बंडल्स थे, ठीक है। अब कंज्यूमर क्या कर रहा है, कंज्यूमर X1 को X2 के कंपैरिजन में ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहा है, क्या कर रहा है, X1 इज स्ट्रिक्टली प्रेफर्ड ओवर X2, राइट, और X2 को X3 के कंपैरिजन में ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहा है। इफ X1 इज प्रेफर ओवर X2 एंड X2 इज प्रेफर्ड ओवर X3, ठीक है, वो कंज्यूमर क्या कह रहा है कि हमारे पास जो कंजप्शन सेट है उसमें तीन बंडल हैं, उन तीनों बंडल में X1 जो है वो X2 से बेटर है और X2 जो है वो X3 से बेटर है। तो यहाँ पर देखो बच्चों क्या हो गया, ऑटोमेटिकली जो X1 था वो X3 से बेटर हो गया ना, सो दैट इफ X1 इज बेटर देन X2, X2 इज बेटर देन X3, देन ऑटोमेटिकली डेफिनेटली द X1 इज बेटर ओवर X3। दिस इज नोन एज द ट्रांजिटिविटी, क्या है बच्चों, ट्रांजिटिविटी। और बच्चों यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ये स्ट्रिक्ट प्रेफरेंस वाला रिलेशन ही नहीं लिख सकते हम, बाकी भी कई सारे रिलेशंस लिख सकते हैं, जैसे कि हमारे पास X वीकली प्रेफर्ड ओवर X2 एंड X2 इज वीकली प्रेफर्ड ओवर X3, देन X1 इज वीकली प्रेफर्ड ओवर X3, राइट, समझ आया, ठीक है। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, इफ X1 इज इंडिफरेंट टू X2 एंड X2 इज इंडिफरेंट टू X3, देन X1 इज इंडिफरेंट टू X3, समझ आया बच्चों, ठीक है। इसे कहते हैं हम ट्रांजिटिविटी, क्या कहते हैं, ट्रांजिटिविटी, कि अगर कोई पर्सन, कोई कंज्यूमर एक चीज को दूसरे के कंपैरिजन में ज्यादा प्रेफर कर रहा है और दूसरे को तीसरे के कंपैरिजन में ज्यादा प्रेफर कर रहा है, तो वो डेफिनेटली क्या कर रहा है, वो पहले वाले को तीसरे के कंपैरिजन में ज्यादा प्रेफर कर रहा है, राइट, ट्रांजिटिविटी समझ आई। अब नेक्स्ट आती है हमारे पास रिफ्लेक्सिवनेस। रिफ्लेक्सिवनेस का मतलब होता है बच्चों, सपोज करो कि तुम्हारे पास एक बंडल है, एक कंजप्शन सेट है, दैट इज X, ठीक है, उस कंजप्शन सेट के अंदर बंडल्स हैं X1, X2, X3, X1, दोबारा अगेन X1 आ रहा है बच्चों, फिर से X2 आ रहा है और फिर से X3 आ रहा है, ठीक है, ये हमारे पास कंजप्शन बंडल्स हैं इस कंजप्शन सेट के अंदर, ये हमारे पास क्या है, कंजप्शन बंडल्स हैं इस वाले कंजप्शन सेट के अंदर, ठीक है। अब ये जो रिफ्लेक्सिवनेस है ना, रिफ्लेक्सिवनेस कहती है कि हमारे कंजप्शन बंडल के अंदर दो बंडल्स क्या रहेंगे, आइडेंटिकल रहेंगे, यानी कि एक बंडल खुद उसके जैसा दूसरा रहेगा, ठीक है, एक बंडल ऐसा जरूर एग्जिस्ट करेगा जो कि खुद उसके जैसा हो, राइट, इसका मतलब यहां पर देखो X1 और X1 दो हैं, राइट, सो X1 प्रेफर्ड ओवर X1, ठीक है। तो अब कंज्यूमर के लिए क्या है, वो X1 को चूज करेगा, अगर ये वाला X1 उसे नहीं मिला तो वो उस X1 को ले लेगा, राइट, तो वो क्या हो गया, इस X1 और इस X1 के बीच में इंडिफरेंट हो गया, राइट। तो रिफ्लेक्सिवनेस क्या कहती है बच्चों, रिफ्लेक्सिवनेस कहती है कि हमारे कंजप्शन सेट के अंदर किसी एक कंजप्शन बंडल को अगर हम प्रेफर कर रहे हैं तो उसके जैसा एक कंजप्शन बंडल और होना चाहिए, राइट। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास कंटिन्यूटी। अब जो कंटिन्यूटी है मतलब बहुत इजी सा है और बहुत मतलब बच्चों को समझ भी नहीं आता और इजी सा भी बहुत है, तो इस कंटिन्यूटी का मतलब क्या है बच्चों, देखो अगर हम मैं कर्व बना दूं, ये वाला कर्व, तो एक कर्व क्या कंटिन्यूअस है, बिल्कुल है, क्योंकि मैंने इस कर्व को बिना पेन उठाए बनाया है, राइट, तो ऐसा कोई भी कर्व जो मैंने बिना पेन उठाए मैंने कि बिना किसी कट के बनाया है वो क्या है, कंटिन्यूअस कर्व है। अब ये जो हमारे पास आती है अजम्पशन के अंदर कंटिन्यूटी क्या है, अजम्पशन के अंदर बच्चों कंटिन्यूटी किस तरीके से देखी जाती है, देखो यहाँ पर सपोज करो कि तुम्हारे पास एक कंजप्शन सेट है, क्या है, एक कंजप्शन सेट है, एक कंजप्शन सेट X है जिसके अंदर कंजप्शन बंडल्स हैं X1, X2, X3, X4, that's it, ये चार कंजप्शन बंडल हैं इस कंजप्शन सेट के अंदर, ठीक है।
अब देखो इस कंजप्शन सेट के अंदर जो चार बंडल हैं, वो चारों बंडल क्या कर रहे हैं कि एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं, एक दूसरे के बहुत आसपास हैं। ठीक है, अगर हम इसको डायग्राम के ऊपर लेके चलूं तो डायग्राम किस तरीके से बनेगा, देखो बच्चों यहाँ पर ये हमारे पास ये पूरा का पूरा कंजप्शन सेट है, ये हमारे पास विजुअल रीजन आ गया। ठीक है, ये हमारे पास बंडल्स हैं, ये बंडल हमारा यहाँ है, ये हमारा एक्स वन है, एक्स वन, ये एक्स टू है, ये एक्स थ्री है और ये एक्स फोर है। राइट, दिखाई दे रहे हैं बच्चों, ये एक्स वन है, ये एक्स टू है, एक्स थ्री और एक्स फोर। राइट, अब ये जो कंटिन्यूटी है वो कहती है कि अगर किसी कंज्यूमर के पास ये सारे बंडल्स अवेलेबल हैं उसके कंजप्शन सेट के अंदर, तो फिर वो कंज्यूमर क्या करेगा, अगर उसकी प्रेफरेंस सबसे पहले किसके लिए थी, एक्स वन के लिए थी, ठीक है, एक्स वन के लिए थी उसकी प्रेफरेंस, तो वो एक्स वन सपोज करो किसी वजह से उसे नहीं मिला, ठीक है, एक्स वन उसकी प्रेफरेंस थी, एक्स वन उसे नहीं मिला, तो वो क्या करेगा, वो डायरेक्टली एक्स थ्री पर नहीं जाएगा, क्योंकि जो एक्स थ्री है वो उसके क्लोज नहीं है। राइट, तो क्या करेगा, एक्स वन नहीं लेकर एक्स टू ले लेगा, समझे, अगर उसकी प्रेफरेंस एक्स टू थी, एक्स टू थी, तो अब देखो एक्स टू के पास एक्स वन भी है और एक्स थ्री भी है दोनों के लिए, तो उन दो उस केस में वो क्या कर सकता है, एक्स टू के केस में एक्स वन थ्री को भी ले सकता है, एक्स वन को भी ले सकता है। राइट, समझ आ रही है बच्चों, अगर उसकी प्रेफरेंस x3 थी तो x3 के केस में वो x4 को भी ले सकता है, x2 को भी ले सकता है। राइट, यानी कि उसकी जो प्रेफरेंस है वो धीरे धीरे करके इंक्रीज करेगी, मतलब वो धीरे धीरे करके चलेगा, वो डायरेक्टली किसी दूसरे कंजप्शन बंडल के ऊपर जंप नहीं करेगा। राइट, जैसे हम कॉन्टिन्यू, अगर हमें कर्व बनाना है तो हम कॉन्टिन्यू चल रहे हैं ना, राइट, तो उसी तरीके से जो कंजप्शन बंडल्स हैं उसके पास वो एक सीक्वेंस में लगे हुए हैं, तो वो क्या करेगा, अगर वो उसे कोई कंजप्शन प्रेफरेबल कंजप्शन बंडल नहीं मिल रहा है तो वो उसके क्लोज वाले को चूज करेगा, क्या करेगा, क्लोज वाले को चूज करेगा जो उसके सबसे क्लोज होगा। राइट, इसे हम कहते हैं कंटिन्यूटी, समझ आया बच्चों, क्या कहते हैं हम, कंटिन्यूटी। नेक्स्ट सबसे लास्ट आता है बच्चों हमारे पास मोनोटोनिसिटी। ठीक है, अब जो मोनोटोनिसिटी है बच्चों, मोनोटोनिसिटी के केस में देखो क्या होता है, मोनोटोनिसिटी का मतलब होता है मोर इज बेटर, क्या होता है, मोर इज बेटर। अब सपोज करो कि तुम्हारे पास कंजप्शन बंडल था, कंजप्शन बंडल था x1 और x2, दो कंजप्शन बंडल है तुम्हारे कंजप्शन सेट के अंदर, और x1 और x2 बिलोंग कर रहे हैं कंजप्शन सेट x को। ठीक है, अब इस कंजप्शन बंडल, ये दो कंजप्शन बंडल हैं, इनके अंदर तुम दो दो गुड्स कंज्यूम कर रहे हो। ठीक है, इस x1 के अंदर कर रहे हो z1 एंड y1, और इसके अंदर कर रहे हो z2 एंड y2, लेट कर लो, ठीक है, कर रहे हो। अब इसकी जो क्वांटिटी x1 की वैल्यू है तुम्हारे पास 1 और इसकी है 2, और इसकी है 3 और इसकी है 4। राइट, समझ आ रहा है बच्चों, Z1 की वैल्यू है 1, Y1 की वैल्यू है 2, ठीक है, Z2 की वैल्यू है 3 और Y2 की वैल्यू है 4। मोनोटोनिसिटी कहती है कि मोर इज बेटर। अब देखो बच्चों, किस बंडल के अंदर कंजप्शन को ज्यादा यूनिट्स कंज्यूम करने के लिए मिल रही हैं, ऑफ कोर्स ही बात है, सीधी सी बात है, इस वाले बंडल के अंदर मिल रही हैं, यानी कि X2 के अंदर मिल रही हैं, तो कंज्यूमर किसे प्रेफर करेगा, X2 को प्रेफर करेगा। राइट, X2 इज प्रेफर ओवर X1, कंज्यूमर X2 को प्रेफर करेगा हमेशा, क्योंकि X2 के अंदर ज्यादा दोनों गुड्स की ज्यादा क्वांटिटीज हैं एज कंपेयर टू X1। राइट, तो इसको लिखने का जो तरीका होता है बच्चों, हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि यहाँ पे X2 इज प्रेफर्ड ओवर X1 जस्ट बिकॉज दैट इज Z2 इज प्रेफर ओवर Z1 एंड Y2 इज प्रेफर ओवर Y1। ठीक है, जस्ट बिकॉज 3 इज ग्रेटर देन 1 एंड 4 इज ग्रेटर देन 2। समझ आया बच्चों, इस तरीके से लिख सकते हैं हम इसको। तो ये थी हमारी आज की क्लास, तो वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे चैनल की आने वाली लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।